कीर्ति है और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका कार्य रहा। वह हर कार्य में बहुत उत्साहित और बहुत सरल स्वभावी है। वह यहाँ पर प्रतिभा मंडल में चल चरका हथकरघा से जुड़ी हुई थी और उन्होंने खुद ने आकर के आचार्यश्री मैं कई परिवारों को खड़ा कर लिया। और वह यहाँ पर जब हिमाचल प्रदेश में जहाँ इतना ठंडा प्रदेश है वहाँ पर जब केंद्र खुलने की बात आई कि वहाँ जाकर के वहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण देना है तो दीदी आए आगे कि मैं जाऊँगी और हम सब खुश हुए क्योंकि उनका जो सिखाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। सभी महिलाएं उनसे खुश होकर के सीखती थी। वह हर महिला को एक परिवार का सदस्य समझती थी और दीदी ने वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे से अपनी सेवा दी। जब थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तब वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर के वो पहले तो वहाँ पर आए जबलपुर ललितपुर प्रतिभा स्थली की दीदी है और फिर उसके बाद में राहतगढ़ घर में आए थे। मम्मी पापा का थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। दीदी वहाँ पर आए उनके पैरों में दर्द हुआ, उनके पैरों में पानी बहने लगा तो उनको दीदी परिवार वालों ने घर से राहतगढ़ से इंदौर लेकर के आए। इंदौर में वो एक महीना से थे। सभी डॉक्टर्स को उनको दिखाया गया। डॉक्टर्स का आप एलोपैथिक लीजिए पर वो नियम के कड़क थे। उन्होंने अपने नियम में एक दोष भी नहीं लगाया और उन्होंने मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लूँगी। तब उन्होंने दवाई नहीं ली। अभी कुछ दिनों पहले उनके पैरों में से पानी को निकाला गया, उनको तब आराम हुआ। इतनी अधिक तीव्र वेदना थी पर वो नमोकार मंत्र पढ़ती रही। सभी लोग हार गए पर उन्होंने दवाई ग्रहण नहीं करी कि लूँगी तो आयुर्वेदिक पर एलोपैथिक लेकर के मैं यदि कुछ दिन बढ़ा भी लूँगी तो क्या मतलब, पर मैं अपने नियमों में दोष नहीं लगाऊंगी, यही मेरी परीक्षा के समय और क्या मैं उसमें फेल हूँ, उनके ये वाक्य थे। और उन्होंने परीक्षा में पास हुई। उन्होंने कोई भी दवाइयों को न लेते हुए आज सुबह ही वैजी के पास उनको लेके गए तो उन्होंने कहा ये 7 दिन में ठीक हो जाएगी, पैर में आराम शुरू हो चुका था दीदी को। अचानक ही उनके सिर में दर्द हुआ। सिर में दर्द हुआ तो पहले से उनको कई सालों से माइग्रेन की परेशानी थी, बहुत पहले से ही व्रत लेने के पहले माइग्रेन की परेशानी थी। तो सबको लगा घर वालों को कि उनको माइग्रेन का दर्द उठा होगा, कल भी था, पर वो 2 दिन से उनके परिवार वालों से एक ही बात कह रहे थे। उनकी मम्मी थे, पापा भी थे इंदौर में और उनकी दीदी के वो वहाँ पर रुके थे वैशाली दीदी का, कि अब मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ और मेरा समाधि मर। तो सबको लगा 2 दिन में क्या बात कर रही थी, इसलिए वैजी के पास भी लेके गए। वैजी ने भी उनको समझाया दीदी आप ठीक हो जाओगी, पर उनके मन में था कि मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। और वह आज दर्शन करके आए, अभिषेक देकर आए, शांति धारा देख करके आए घर पे पूजन करके और उन्होंने कहा कि मम्मी वैसे तो मेरे को वार्षिक प्रायश्चित उपवास करना है पर मम्मी लोगों ने उपवास का मना कर दिया कि अभी तुम उपवास मत करो। तो उन्होंने कहा यदि उपवास नहीं करने दे रहे तो आज मैं 2 दिन तक दूध का त्याग करती हूँ। चातुर्मासिक जो अभी 14 कही है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में एक रस का 2 दिन का त्याग मिलता, वह उनको ध्यान था कि अभी 14 गए तो कि मैं जल्दी से प्रायश्चित कर ही लेती हूँ। तो उन्होंने मम्मी और पापा को भी दूध का त्याग करवाया और स्वयं ने दूध का त्याग किया, कायोत्सर किया। तो उनकी मम्मी ने कहा कि चलो 16 का भोजन बना लेते। तो उन्होंने खुद ने ही सब्जी को सुधारी, फिर कहा कि मुझे अब अच्छा सा नहीं लग रहा है और मैं अब कुछ भी नहीं खाना करना, मैं तो थोड़ी देर आराम करूँगी, नमोकार मंत्र का जाप करने वह बैठ गई कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और फिर उनको थोड़ा सा चक्कर आया, सिर और तेजी से बढ़ा। तो उन्होंने कहा मम्मी अब मेरा बहुत तेज सिर दर्द कर रहा, असहनीय हो रहा है और वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगी। उनका सिर दीवार से टकराया और चक्कर आए। मम्मी ने कहा तुम नमोकार मंत्र पढ़ रही हो और उसकी माँ जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ी थी। तो उन्होंने इशारा किया कि मैं पढ़ रही हूँ और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उनके आँखों से प्राण निकल गए, आँखों से आंसू आए। इस वह बहुत ही सरल और उत्साहित, हर पल उनमें उत्साह रहता था। जब भी वो कोई भी कार्य करती थी तो इतना उत्साह से करते थे। आज ये हमारे मंडल में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, कोई भी विश्वास ही नहीं कर सका कि कीर्ति दीदी जो सबसे ज्यादा साहसी और ऐसी थी उनका विश्वास कर ही नहीं पा रहा था। पर तभी शायद वो हम लोगों को ये कह के गई है कि दीदी आज 18 तारीख है
आचार्य भगवान को 9 माह हो गए हैं और वो सभी आचार्य श्री जी को याद कर रहे थे कि दीदी आप लोग तो याद करो, मैं तो सीधे ऊपर ही जाकर मिल लेती। और वो चले गए और वहाँ वो आचार्य श्री जी से मिलकर के मैं विदेश क्षेत्र की यात्रा भी कर रही हूँ। हम सब भी अपने जीवन को सार्थक कर सके, अच्छे कार्य कर सके और हम इस सच्चाई को समझें। पुरुष वर्ग तो रोज ही मरघट पर आते हैं। आज हम लोग का प्रथम दिन था कि हम यहाँ आकर के ये देख सके इस सच्चाई को। तो वास्तव में जीवन की सच्चाई और जो अच्छा है वही हमारे साथ चाहिए। हम बैंक बैलेंस तो बहुत बना रहे हैं पर जो साथ में जाना है उसकी कमाई हमें करना है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ले जाएंगे। कर्म हमारे साथ ही जाना है और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको मिलने वाला है। हम सब भावना भाते हैं कि आज आचार्य श्री जी को भी 9 माह हो गए। जो गुरु आज्ञा रही है, जैसा उन्होंने सिखाया है हम लोगों को, हम वैसा कर सकें, इस मानव जीवन को सफल कर सकें और ऐसा पुरुषार्थ करें कि एक भाव शेष रहे, यहाँ से हम ऊपर जाए स्वर्ग में और वहाँ से आकर के हम लोग भी सिद्ध शिला में जो अपना घर है वहाँ पर जा सके। इन्हीं भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य समय सागर जी महामुनिराज की जय। आदिकवि आदर्श पति माता की जय। सभी जन 9 बार नमो बार मंगलों के श्रद्धांजलि।